हम सपा को देंगे वोट। अच्छा आप सपा को देंगे? बिल्कुल, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने 2016 में नखलो की मीटिंग में कहा था कि पीएलवी वालों को 10,000 रुपये मंथली देंगे महीना, आज दिन तक कोई नहीं दिया रुपए, मैं बंद कर चुका काम, और मोदी ने भी कहा था। अच्छा बिल्कुल, तो इसी बात को बिल्कुल सपा को वोट देंगे, सपा को वोट देंगे बिल्कुल। इस वक्त हम मौजूद हैं भोगांव विधानसभा के द्वारकापुर गांव में, लोधी बाहुल्य ये गांव। देखते हैं यहाँ के ग्रामीणों से जानते हैं कि इस बार क्या मन है इनका और किधर जा रहा है इनका समर्थन। क्या नाम है बाबा आपका? लालमन। लालमन, लालमन जी क्या लग रहा है इस बार? डिंपल यादव सामने हैं समाजवादी पार्टी की और उनके सामने हैं भाजपा के रघुराज साग के, तो किसको समर्थन जा रहा है इस गांव का? अब ये हमें नहीं पता, हम तो यहाँ रिश्तेदार हैं। अच्छा आप रिश्तेदार हैं, अच्छा अच्छा आप यहीं के हैं। क्या नाम है? राम सनी लाल। राम सनी लाल, राम सनी जी इस गांव में तादाद किन की ज़्यादा, किस बरादरी? बरादरी लोधी राज भी ज़्यादा है। लोधी राज, आप भी लोधी है जी। किधर जाता है इस गांव का समर्थन? ज़्यादातर तो भाजपा की तरफ जाता है, सपा को भी मिलता है कुछ, तो सपा को भी मिलता है। इस बार क्या आसार है? आसार तो जो लगभग वही मामला है जो पहले चल रहा था, वही चल रहा है। अच्छा, क्या नाम है आपका? देसराज। देसराज, देसराज जी इस बार क्योंकि बड़ी कांटे की लड़ाई दिख रही है, पहले समाज वोट पड़े थे बगीदाओं पर दूसरे सपा है, सपा पहले चुनाव में समाज पड़े थे अब की दूसरे पड़े, सपा के यहाँ पे ज्यादा पड़े थे, पहले कम पड़े, पहले कम पड़े थे, पहले समाज पड़े थे। अच्छा 35 वोट अब भाजपा कितने पड़े थे? भाजपा ज्यादा थे, ज्यादा थे भाजपा के और मायावती। अच्छा नहीं, पिछली बार मायावती के तो कैंडिडेट ही नहीं था, तो हाँ पहले बात गठबंधन था समाजवादी पार्टी से, लगभग 700 वोट तो मिला था सपा को। अच्छा हाँ, तो करीब लगभग 600 वोट मिला था, 600 वोट भाजपा। अब की जाना है बड़ी बड़ी। अच्छा है, और भी कुछ ग्रामीण हमारे सामने, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? लालमन। लालमन, लालमन जी किधर है इस बार समर्थन इस गाँव का? पता ना अब किधर हुए, कोई पता ना भैया। कैसे मतलब इस बार उपचुनाव है चूंकि, ये तो मुद्दे दिमाग में हैं या और कुछ चीज? दो और है वोट और का, दोनों तरफ इस गांव का वोट दोनों तरफ जाता है। अच्छा, हमारे साथ में एक प्रचार के लिए आए हैं नेता जी हैं, क्या नाम है आपका? राहुल शिवगणेश लोधी, विधायक हरचंदपुर रायबरेली से आया हूँ। रायबरेली से इस बार जैसे ये इस क्षेत्र में ये बेल्ट जो है वो लोधी बाहुल्य ये सीट है, और जो रिकॉर्ड पुराना देखा गया कि भाजपा को यहाँ पे भारी मतलब बहुमत मिलता रहा है, मौजूदा विधायक भी भाजपा के ही है इस समय, हालांकि पहले समाजवादी पार्टी के भी दो तीन बार आलोक साक भी जीते हैं। देखिए हमको इसी समाज लोधी समाज से लगाया गया है, हमारे पूजनीय पिताजी स्वर्गीय शिव गणेश लोधी जी बड़े लीडर रहे हैं, तो लोधी समाज हमेशा ठगने का काम हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को हमेशा वोट तो दिया लेकिन कभी लोधी समाज की उन्होंने मदद नहीं की, वोट तो ले लेता है लेकिन कभी जब काम पड़ता है तो फिर चुनाव के वक्त ही लोधी समाज की याद आती है। हाँ ये है कि भोगांव विधानसभा भाजपा ने अभी राजवीर सिंह, कल्याण सिंह के लड़के हाँ, उनके सैनाती संदीप सिंह क्या नाम, उनको भी लगा रखा है। हाँ लगा रखा है, लेकिन लोधी समाज अपनी ताकत को पहचान गया है, अब अपना जवाब ना किसी से कह के देगा, अपना जवाब वोट से बटन से देने वाला है और पूरी ताकत के साथ आदरणीय डिंपल यादव जी को जिताने का काम करेगा। ये लोधी समाज इस बार भोगांव विधानसभा लोकसभा चुनाव में हमेशा इसको डिफीट सपा को मिली है, लेकिन इस बार पूरी ताकत के साथ आदरणीय डिंपल यादव जी भोगांव विधानसभा जीतेगी। अगर पुराने आंकड़ों की बात की जाए तो जब नेताजी खुद मैदान में थे 2019 में 25,000 से करीब समाजवादी पार्टी यहाँ से पीछे थी भाजपा से, तो कारण देखिए लोधी समाज का जो वोटर है वो चाहता है कि हम आदरणीय नेताजी से सीधे मिलें, सीधे अपनी बात कहें, लेकिन कुछ कार हम तो अभी 2021 में 24 अक्टूबर को शामिल हुए थे, हम भी बाहर पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, हम भी वहाँ से लड़े थे भारतीय, लेकिन हम हार गए थे, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको आशीर्वाद दिया और उनकी ताकत से हमने हमारा भी रायबरेली में 3.5 लाख लोधी है तो पूरी ताकत के साथ वहाँ पे भी समाजवादी को देने का काम किया, लेकिन हम भी काफ़ी 24 तारीख से यहाँ हैं और ज़्यादा से ज़्यादा
समाज के गांव में जाने का काम कर रहे हैं। जो पुरानी गलतियां हुई हैं इस बार लोधी समाज समझ चुका है और वो गलतियां दोबारा नहीं दोहराएगा। भारी मोहम्मद से समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करेगा। बहुत बढ़िया। चलिए और भी गांव के समर्थक हैं हमारे पास, ग्रामीण है। क्या नाम बेटा आपका? उदयवीर। उदयवीर, क्या चल रहा है इस समय इस गाँव में? किसका पल्ला लग रहा है भारी है? किनको बताऊं? कहने की स्थिति में नहीं है। अच्छा, ये तो कुछ बोल नहीं पा रहे। और लोग हैं हमारे साथ में, उनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह। महेंद्र जी, एक चीज बताइए। चलो इधर ही बैठते हैं। ये गांव जो है काफी बड़ा गांव है, है? लोधी बाहुल्य है। ये समर्थन किधर ज्यादा रहता है और इस बार क्या मन बनाया आप लोगों ने? ऐसे माना हो दोनों तरफ से। मतलब क्या इस बार जो नेताजी खत्म हुए वो सिंपैथी है या यहाँ स्थानीय विधायक या किसी से नाराजगी? अच्छा, मतलब समाजवादी पार्टी को ही वोट मिलता है यहाँ से? मिलता हो आपको, मिलता सपा भाजपा, सपा भाजपा दोनों को मिलता है। ज्यादा किसको मिलता है? सपा को ज्यादा मिलता है भाजपा को? भाजपा। अच्छा, काफी धीरे से बता रहे भाजपा को। क्या ये नेताजी सामने थे इस वजह से लग रहा है? ना, सोना है। भाजपा को ज्यादा मिलता है तो इस बार कम मिलेगा क्या? ज्यादा मिलेगा। मतलब सपा के विधायक जी खड़े हुए हैं सामने, आप बोल रहे हैं। अच्छा, आने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? वो सो मिलेगा, भाजपा को वैसे भी ज्यादा मिलेगा। अच्छा, कितनी बात में तो मैं इनके कह रही है भाजपा को ज्यादा मिलेगा वोट? हम सपा को देंगे वोट। अच्छा, आप सपा को देंगे? बिल्कुल, क्योंकि योगी आदित्यनाथ में 2016 में नखलो की मीटिंग में कहा था कि पीएलवी वालों को 10,000 रुपये मंथली देंगे महीना। आज दिन तक कोई नहीं दिया रुपए, मैं बंद कर चुका काम, और मोदी ने भी कहा था। अच्छा, बिल्कुल तो इसी बात को बिल्कुल सपा को वोट देंगे। सपा को वोट देंगे, बिल्कुल। चलिए, क्या नाम है आपका? सुधीर कुमार। आप भी इसी गांव के निवासी है? अभी तक जो देखा जा रहा है कि लोधियों का झुकाव जो है, लोधी बाहुल्य ये एरिया है, भाजपा को ज्यादा समर्थन मिलता रहा, इस चुनाव में क्या हकीकत है? भाजपा ज्यादा मिलेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी मिलेगी जो कि कह रहे हैं कि वो, कुछ लोग तो ऐसे होते ही हैं। हाँ, कुछ लोग तो मतलब पांच उंगलियां एक तरीका गिनाए आएंगी, तो इसलिए मतलब आदमी कोई भाजपा में, कोई किधर, कोई सपा में, तो वो तो कहेगा। वैसे हमारे इधर सबसे ज्यादा अरे भाजपा ही में। अच्छा, अभी तक भाजपा के कोई लीडर आए इस गाँव में? राजवीर सिंह आए। अच्छा, तो पूरा टोटल 80% वोट भाजपा को, 20% माने चलो ज्यादा पंचायत तो। अच्छा, इतना अंतर रहेगा यहाँ से? जैसे समाजवादी पार्टी के नेता वगैरह आ रहे हैं, ये का मतलब है? अरे कोई दरबारी पाते तो भाई बैठा लो जाए, उठा लो जाए, है कि ना? लेकिन वोट तो वहीं मतलब आदमी नहीं देगा। आपकी क्या राय है इस बारे में? आई डोंट नो अबाउट दिस, व्हाट इज द प्रॉब्लम, यू कैन टेल मी फर्स्ट प्लीज। चलिए, तो ये थे द्वारकापुर के ग्रामीण, जिनका कि हमने जानना चाहा कि क्या चल रहा है इनके मन में। तो कहीं ना कहीं जो है इनका समर्थन जो है भाजपा की तरफ ज़्यादा दिखा बजाय समाजवादी पार्टी के। हालांकि समाजवादी पार्टी पूरा जोर लगाए हुए, ये आपने देखा हमारे सामने एक रायबरेली के विधायक जो है वो आए थे प्रचार करने के लिए समाजवादी पार्टी का। लेकिन अब कितना समर्थन मिलता है इस लोधी बाहुल्य एरिया में समाजवादी पार्टी को, ये देखने वाली बात होगी। पुष्पेंद्र सिंह, मैनपुरी, यूपी तक।